एलएलबी में एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेज ऑफ क्राइम? इज प्रिपरेशन इज टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर आईपीसी? इफ सो व्हाट आर दोज ऑफेंसेज? इसका हिंदी में क्वेश्चन बनता है, अपराध की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी है? क्या भारतीय दंड संहिता में अपराध की तैयारी दंडनीय है? यदि हाँ तो वे कौन से अपराध है? इसके अलावा और भी इसको डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, जैसे किन मामलों में केवल तैयारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है, या अपराध कृति की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, तैयारी कब दंडनीय है। क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से एग्जामिनर पूछ सकते हैं, मेन चीज है कि बेसिक फंडा क्लियर हो, उसके बाद आंसर लिखने के अंदर कोई परेशानी नहीं आती है। तो अपन इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। व्हाई व्हाट डू यू मीन बाय ऑफेंस? ऑफेंस होता क्या है? अपराध किसको कहते हैं? क्यों आईपीसी के अंदर बार बार अपराध के बारे में आता है या ऑफेंस के बारे में आता है? एक्चुअल में ये ऑफेंस होता क्या है? ऑफेंस का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी कार्य जो लॉ के विरुद्ध हो वही ऑफेंस है। सबसे इजी लैंग्वेज के अंदर अपराध की परिभाषा यही होगी कि कोई भी ऐसा कार्य जो लॉ के अगेंस्ट में है वही अपराध माना जाएगा, इसी को क्राइम कहते हैं। केवल कार्य को अपराध नहीं माना जा सकता, जो एक्ट है, किसी ने कोई किसी भी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है तो केवल उस कार्य को अपराध नहीं माना जा सकता, अपराध नहीं माना जा सकता उस कार्य को, उस कार्य को अपराध में परिवर्तित होने के लिए कुछ स्टेज है, कुछ डिफरेंट उसकी स्टेज है, वो डिफरेंट स्टेज पूरी करने के बाद वह कार्य अपराध में कन्वर्ट हो जाता है। इसको स्टेज को अवस्थाएं बोलते हैं, अवस्थाएं भी बोलते हैं। तो किसी भी एक्ट को तीन स्टेज से गुजरने के बाद वह एक्ट होता है, वह क्राइम में परिवर्तित हो जाती है। सबसे पहला स्टेज कौन सा होता है? उसमें पहला स्टेज है इंटेंशन, हिंदी में इसको कहेंगे इरादा, इंटेंशन। इंटेंशन का क्या मतलब होता है? कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले उसकी इच्छा जागृत होती है कि मैं ये कोई कार्य करूं। जो मन में सबसे पहले जो भाव आता है, जो इसकी इच्छा जागृत होती है, वही इरादा या इंटेंशन उसको बोलते हैं। किसी भी कार्य का इंटेंशन, सिर्फ इंटेंशन कोई क्राइम नहीं होता। किसी भी एक्ट का इंटेंशन क्राइम नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, मिस्टर जॉन हैज इंटेंशन टू किल मिस्टर माइकल। जॉन इंटेंशन रखता है कि वो माइकल का मर्डर करेगा, उसको किल करेगा। सिर्फ उसकी वो इच्छा है कि वो उसको किल करेगा, उसको मारेगा। यहाँ पर उसकी सिर्फ इंटेंशन हुआ है, तो सिर्फ इंटेंशन आने की वजह से वह क्राइम नहीं माना जाएगा। तो क्राइम की पहली स्टेज होती है इंटेंशन, और सिर्फ इंटेंशन होता है वह क्राइम नहीं होता। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, इसके कुछ अपवाद है। सेक्शन 120A और 120B आईपीसी के अंदर दो सेक्शन ऐसी हैं,
ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से आपराधिक षड्यंत्र जिसको कहते हैं, ये दो सेक्शन है जो इसके अपवाद हैं। इसके अलावा कोई भी इंटेंशन है वो क्राइम नहीं माना जाता है। किसी भी कार्य को करने की जो इच्छा होती है वो दंडनीय नहीं है। अब सेकंड स्टेज इसकी आती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब तैयारी। किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी तैयारी करना। तैयारी के अंदर क्या होते हैं कि जो उसने इच्छा जागृत करी है, जो उसका इंटेंशन था, उसको कंप्लीट करने के लिए उसके अंदर कुछ एफर्ट्स करेगा, उसकी कुछ तैयारी करेगा। तो अगला जो स्टेज आता है वो तैयारी का आता है, प्रिपरेशन का आता है, कि उस कार्य को कैसे उसकी लास्ट स्टेज तक उसको पहुंचाएं, उसकी वो तैयारी होती है। तैयारी के अंदर क्या होता है कि सपोज जॉन कुछ सामान इकट्ठा करता है, मिस्टर जॉन कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स, क्या माइकल को मारने के लिए जॉन है वो कुछ ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे करता है, जैसे लोहे की छड़ उसने इकट्ठी कर ली, कुछ रस्सी ले ली या और कुछ आइटम उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि अब मैं माइकल का मर्डर करूंगा या किल करूंगा, उसको किल करूंगा। तो उसकी तैयारी उसने शुरू कर दी। अब सेकंड स्टेज के अंदर भी कोई कार्य जो करता है वो इल्लीगल नहीं है, वो भी अपराध नहीं है। कोई भी आदमी तैयारी करता है किसी चीज़ की, किसी अपराध करने के लिए उसकी तैयारी करता है, उसके लिए वो कुछ सामान इकट्ठा करता है, तब तक वो अपराध दंडनीय अपराध नहीं है, दंडनीय अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। एक और इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक लेडी है, वो एक कुएं की तरफ दौड़ती है कि मैं जाकर उसमें जंप लगाकर सुसाइड कर लूंगी। अब वो लेडी है, वो दौड़ती है कुएं की साइड में, दौड़ती है इस इंटेंशन के साथ दौड़ती है कि मैं कुएं में जंप लगाकर अपने आप को ख़त्म कर लूंगा और वो सुसाइड कर लूंगा वहां पर। तो वो कूदने से पहले तक की स्टेज, यानी वो दौड़ती है कुएं तक पहुंचती है, तब तक उसका अपराध नहीं है, कोई आपराधिक उसने कृत्य नहीं किया है, वो दंडनीय अपराध नहीं है। वहां तक वो दौड़ती है, दौड़कर कुएं की मुंडेर तक जाकर खड़ी हो जाती है, तो वहां तक उसका कोई अपराध नहीं है, कोई उसने आपराधिक कार्य नहीं किया है। तो किसी भी कार्य करने के लिए जो उसकी प्रिपरेशन है वो भी आपराधिक कृत्य नहीं है, पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। इसके भी कुछ अपवाद हैं। अपवाद में क्या है, आईपीसी की सेक्शन है 122, 126, 399, ये कुछ दो तीन सेक्शन है उसके अंदर इसमें अपवाद दिए गए हैं, जो प्रिपरेशन के अपवाद हैं। कि अगर 122 के अंदर के हैं, भारत सरकार के विरुद्ध अगर कोई युद्ध की तैयारी करता है, वो वन सेक्शन 122 के अंदर दिया गया है। 126 के अंदर के हैं कि किसी ऐसे राष्ट्र के साथ लूटपाट करने की तैयारी करते हैं जिससे भारत के संबंध अच्छे हैं, अच्छे रिलेशन हैं, तो 126 में दिए हैं। 399 के अंदर डकैती वगैरह करने से रिलेटेड है। तो ये दो तीन इसके अपवाद हैं, अगर इनकी तैयारी करते हैं तो वो दंडनीय अपराध माना जाएगा, अन्यथा प्रिपरेशन अपराध नहीं माना जाएगा। अब थर्ड और लास्ट स्टेज आती है किसी क्राइम की, वो आती है अटेम्प्ट यानी प्रयास। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ अटेम्प्ट अपने आप में एक क्राइम है। कोई भी आदमी अटेम्प्ट करता है, प्रयास करता है, वो क्राइम माना जाता है, वो दंडनीय अपराध होता है, दंडनीय कृत्य है।
पनिशेबल वो ऑफेंस होते हैं। ये अटेम्प्ट होता है वो अपराध को पूर्णतया की स्टेज की तरफ ले जाते हैं कि हाँ अब क्राइम हो चुका है। अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है कि अगर इस कार्य को नहीं रोका गया, अगर इस कार्य को नहीं रोका गया, इस एक्ट को नहीं रोका गया, तो वह एक्ट क्राइम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका अटेम्प्ट है वो क्राइम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर क्राइम कंप्लीट हो जाता है, क्राइम कंप्लीट हो गया माना जाता है कि अब क्राइम हो चुका है। जैसे मिस्टर जॉन है, सबसे पहले उसने इंटेंशन था उसका कि मैं माइकल को मारूंगा, उसको किल करूंगा, उसका मर्डर करूंगा। उसके बाद उसकी तैयारी करी, तैयारी करने के बाद जब वो उस पर अटैक करता है, उसको वाकई मार देता है, अटेम्प्ट उसका प्रयास करता है, उसको वाकई मार देता है, तो वो क्राइम में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो अटेम्प्ट होता है वो अपने आप के अंदर एक क्राइम माना जाता है, अपने आप में एक क्राइम होता है। इसके अंदर मैं एग्जांपल देता हूं आपको एक दो। जैसे मान लो मिस्टर जॉन है, वो किसी मकान में घुसता है, जाकर वहां पर कोई संदूक का ताला तोड़ लेता है, चोरी करने का प्रयास करता है, तो यह दंडनीय अपराध माना जाता है। बेशक वहां पर मकान के अंदर कुछ भी नहीं मिला हो, तो ये अटेम्प्ट है वो पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। तो क्राइम के लिए क्या चीजें चाहिए? तीन एलिमेंट उसमें चाहिए, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट। ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही क्राइम होता है। तो मैं समझता हूं यहां पर क्राइम अपन समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ अटेम्प्ट्स है वो आईपीसी के अंदर सेपरेटली उनको पनिशेबल बताया गया है, उनका वर्णन किया गया है। जैसे सेक्शन 213(2)(1)(3) आईपीसी की सेक्शन 213, उसके अंदर क्या है कि ऑफेंडर को पनिश करने से रोकने के लिए अगर कोई गिफ्ट वगैरह एक्सेप्ट करता है, टेकिंग गिफ्ट एक्सेट्रा टू स्क्रीन एन ऑफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट। जब 213 अपन पढ़ेंगे उस टाइम इसका पूरा डिटेल से अपन डिस्कस करेंगे। उसके अलावा सेक्शन 239 है, 307 है अटेम्प्ट टू मर्डर, 308 है अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, सेक्शन 309 है आईपीसी की अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। ये कुछ अटेम्प्ट ऐसे हैं, और भी है, ये एग्जांपल के लिए बताए हैं, तो और भी ऐसे अटेम्प्ट हैं जो इन सेक्शन के अंदर पनिशेबल होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन और अटेम्प्ट दो वर्ड अपन ने पढ़े, क्यों? क्राइम की तीन स्टेज होती है, इंटेंशन प्लस प्रिपरेशन प्लस अटेम्प्ट। तो दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रिपरेशन और अटेम्प्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में क्या डिफरेंस है, तो उसमें है क्या एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? एक तो स्टेज का डिफरेंस है, प्रिपरेशन है वो सेकेंड स्टेज के ऊपर है और अटेम्प्ट है वो फाइनल यानी थर्ड स्टेज के ऊपर है। प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि किसी क्राइम को करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करना, कुछ सामान को इकट्ठा करना, ताकि वो अटेम्प्ट कर सके उनके साथ, उनके सहयोग से। और एक्शन क्या होता है? एक्शन का मतलब उस एक्ट को अगर नहीं रोका गया तो वह क्राइम में कन्वर्ट हो जाता है। प्रिपरेशन वो अपने आप में कोई क्राइम नहीं होता, सिर्फ प्रिपरेशन होती है कुछ अपवाद को छोड़कर, जो अपन ने अभी डिस्कस किए हैं, उस अपवाद को छोड़कर प्रिपरेशन अपने आप में कोई अपराध नहीं होता, लेकिन अटेम्प्ट है वो अपने आप में अपराध होता है।
इसके अलावा आईपीसी में प्रिपरेशन इज नॉट ऑफेंस, सिर्फ प्रिपरेशन है वो आईपीसी में कहीं भी ऑफेंस नहीं है। फिर मैं बताऊंगा कि कुछ अपवाद को छोड़कर, लेकिन अटेम्प्ट है वो आईपीसी के अंदर ऑफेंस है। तो दोनों में अपन ने डिफरेंस देख लिया, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब जो अपन ने स्टडी किए, इस क्वेश्चन की डिटेल जो देखे हैं, उसको रिवीजन कर लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। दो मिनट के अंदर इसको कैसे रिवाइज करेंगे कि इसमें ऑफेंस क्या होता है। ऑफेंस का मतलब किसी भी एक्ट के अगेंस्ट में कोई कार्य किया गया है, किसी विधि के अंतर्गत अगर कोई कार्य करने के लिए मना किया गया है और उस कार्य को करते हैं तो वही ऑफेंस होता है। ऑफेंस की तीन स्टेज होती हैं, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट। इंटेंशन का मतलब इरादा, जब मन में पहला भाव आता है कि मैं कोई कार्य कर देता हूँ, कर लेता हूँ, जैसे जॉन है वो माइकल का मर्डर करने की उसने इच्छा जाहिर की, किसी से इच्छा को शेयर किया, तो वो इंटेंशन हो गया। उसके बाद प्रिपरेशन, सेकंड स्टेज में प्रिपरेशन होती है। प्रिपरेशन के अंदर उस इच्छा को कंप्लीट करने के लिए उसकी तैयारी शुरू कर देता है। जॉन है वो माइकल को किल करने के लिए, उसका मर्डर करने के लिए मार्केट से लोहे की छड़ी इकट्ठा करता है, रस्सी इकट्ठा करता है और सामान इकट्ठा करता है, वो प्रिपरेशन हो गया। उसके थर्ड स्टेज और लास्ट आती है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट के अंदर प्रयास कि अगर इस एक्ट को नहीं रोका गया तो यह अपराध में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्य है जो। अब दोनों में डिफरेंस के प्रिपरेशन और अटेम्प्ट है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। प्रिपरेशन है वो सेकेंड स्टेज है क्राइम की, और अटेम्प्ट है वो थर्ड और लास्ट स्टेज है। प्रिपरेशन के अंदर आइटम कलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट कलेक्ट करते हैं क्राइम को कंप्लीट करने के लिए, और अटेम्प्ट के अंदर एक्शन करते हैं, फाइनल एक्शन होते हैं। अगर उस एक्शन को नहीं रोका गया तो वो क्राइम में कन्वर्ट हो जाता है। प्रिपरेशन अपने आप में कोई क्राइम नहीं है, जबकि एक्शन वो अपने अटेम्प्ट है वो अपने आप में एक क्राइम है। आईपीसी में प्रिपरेशन को कहीं भी क्राइम प्रिंसिपल ऑफेंस नहीं माना गया है, बल्कि अटेम्प्ट को प्रिंसिपल ऑफेंस माना गया है। ये सेक्शन यहाँ पर, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यूजफुल है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक इस शेयर को, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस मेरे वीडियो को, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और आपके लिए और इस टाइप के वीडियो तैयार कर सकूं। थैंक यू।